ब्रेक में स्वागत आपका। आपको बता दूं कि देश ने आज कर्तव्य पथ पर पहली बार परेड देखी, सेना के शौर्य और पराक्रम का ट्रेलर देखा। इस गणतंत्र दिवस पर पहली बार किसी इस्लामिक देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह का चीफ गेस्ट बनाया गया। वो क्यों बनाया गया यह वजह बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जाने की साल कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी। उनके साथ पीएम मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब्दुल फतेह अल सिसी मिस्र के राष्ट्रपति पहुंचे, जिसकी चर्चा भारत से ज्यादा आज दुनिया में हो रही है। उसकी वजह क्या है? दरअसल मोदी सरकार के मिस्र के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट बनाने की खबर इंटरनेशनल मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनी। चीन और पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है, लेकिन सवाल है कि पीएम मोदी ने आखिरकार मिस्र के राष्ट्रपति को न्योता क्यों भेजा? क्या बस चीफ गेस्ट की परंपरा को निभाने के लिए फैसला लिया गया? अगर आपके जहन में ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। असली वजह मैं बताता हूं आपको। दरअसल मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी का दौरा कई मायनों में भारत के लिए अहम है। इससे न सिर्फ मिस्र और भारत के संबंध मजबूत होंगे, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक कूटनीतिक रिश्ते, कारोबारी हित और अंतर्राष्ट्रीय और राजनीति जैसे कई मुद्दे एक बड़ी वजह है। पहले तस्वीरें जरा आप देखिए। आपको बताऊं, मैं ये तस्वीरें दिखाते हुए बताऊं कि कोरोना के चलते मिस्र की जो हालत है बहुत खराब है। मिस्र करीब करीब दिवाले होने के कगार पर है। इस वक्त मिस्र जैसे देश पर 170 अरब डॉलर का कर्ज है और महंगाई दर लगभग 25% से ज्यादा हो चुकी है। यानी मिस्र अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसे हालात में सभी मुस्लिम देशों ने मिस्र का साथ छोड़ दिया। अपनी लड़ाई में इस वक्त मिस्र अकेला था, लेकिन मिस्र का हाथ थामा भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत की पहचान भरोसे के पर्यायवाची के तौर पर है। भारत जो अपने दोस्तों का साथ कभी छोड़ता नहीं, वो देश जो रिश्तों को मानवता और भावनाओं की छांव में रखता है, ना कि चीन की तरह विस्तारवादी और कब्जा करने की रणनीति रखता हो। मिस्र के साथ भारत के रिश्ते तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ कारोबारी हित भी बड़े हैं। अब वो क्या क्या है जानी जरा। साल 2018-2019 के बीच मिस्र और भारत के बायलेटरल ट्रेड हुआ करीब 4.55 अरब डॉलर का। साल 2019-2020 के बीच कारोबार बढ़ा और ये आंकड़ा बायलेटरल ट्रेड का पहुंचा 7.26 अरब डॉलर का, यानी लगभग दो गुना। दोनों देशों में कारोबार करीब 75% बढ़ा। दोनों देशों ने साल 2026-2027 तक 12 अरब डॉलर के बायलेटरल ट्रेड, यानी दोनों तरफ से जो ट्रेड होगा, ये टारगेट तय कर लिया है। दोनों देशों ने कृषि से लेकर के ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, कपड़ा, अलग अलग क्षेत्रों में अपना सहयोग को एक दूसरे के साथ बढ़ाया। भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और मिस्र के साथ अपने कारोबारी रिश्ते से भारत के विकसित देश बनने के सपने को एक बड़ा बल मिलेगा, बड़ा सहारा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, अब जरा आप आंकड़ों से समझिए। ये मैं आपको आंकड़ों के जरिए बताता हूं। ये आंकड़े आप देखते जाइए। पिछले साल भारत ने मिस्र को सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात किया था, भेजा था। मिस्र की जरूरत का करीब 80% हिस्सा जो है भारत से पूरा होता है। मिस्र में भारत ने लगभग 3 अरब डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया और अभी भारत की 50 कंपनियां मिस्र में मौजूद हैं, जिसमें रसायन से जुड़ी कंपनियां हैं, ऊर्जा से जुड़ी कंपनियां, ऑटोमोबाइल, खुदरा, परिधान और कृषि क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट शामिल कर किया गया। भारत के निवेश से मिस्र में 30,000 से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल रहा और रोजगार यानी कि इकॉनमी बेहतर हो रहा। आगे बताता हूं आपको कि आगे क्या क्या समीकरणें होती जा रही हैं। इसके अलावा इस दौर में भारत और मिस्र के बीच कई व्यापारिक और सामरिक समझौते भी होने जा रहे हैं। वो सामरिक समझौते क्या है, जरा जानिए। मिस्र और भारत के बीच 5 करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। राजनीतिक करार हो चुका है। सुरक्षा, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर हुआ। भारत से मेड इन इंडिया यानी देश में बने हुए रक्षा उपकरण खरीदने के लिए मिस्र तैयार हो चुका है। आकाश मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड सिस्टम खरीदने पर विचार हो रहा है। तेजस विमान और इसके अलावा रडार, सैन्य हेलीकॉप्टर और अन्य सामान खरीदने पर गहरी दिलचस्पी इस वक्त मिस्र की है। यानी साफ है कि भारत मिस्र के साथ अपने संबंधों का विस्तार और मजबूत करना चाहता है। लेकिन अब सवाल ये कि इससे भारत को फायदा क्या होने जा रहा है। तो आप जरा जानिए कि भारत को फायदा क्या है। मिस्र से ये अगर डील होती है तो भारत का निर्यात बढ़ेगा। ये पॉइंटर में लगातार आपको दिखाता जा रहा हूं। मिस्र से डील करने के भारत का निर्यात बढ़ेगा। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट दुनिया की नजर में आएगा। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा, यानी भारत का भरोसा बढ़ेगा। इसके साथ ही एक नक्शा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उस नक्शे को देखिए, ग्लोबली इंपॉर्टेंस क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये जरा जानिए। ये मैप जरा आप देखिए। ये अरब देशों का, अफ्रीका, दोनों देशों की राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी है। इसे अफ्रीका और यूरोप के बाजार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के तौर पर देखा जाता है। देखिए जरा, ये यहां भारत है, इधर विस्तारवादी चीन है,
और भारत कैसे अपने दोस्त मिस्र का हाथ इस वक्त थाम रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है कि अफ्रीकन रीजन में ये जितने मुस्लिम देश है, इसमें घाना शामिल है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को शामिल है, ट्यूनिशिया है, लीबिया है, सूडान है, इन तक भारत को अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। यानी भारत मिस्र को अपने साथ मिलाता है तो ऐसे में चीन पर यह भारत की बड़ी रणनीतिक बढ़त भी होगी। साथ ही साथ भारत और चीन के बीच एक अघोषित युद्ध जो चल रहा है, जिसका सेंटर पॉइंट है अफ्रीकी देश, जो आपको लगातार मैप में दिखा रहा हूं। और युद्ध का कारण यह कि दोनों देश अपने व्यापार को दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं, अफ्रीका के बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं, और भारत की जो कोशिश है मिस्र का हाथ थामने के लिए, वो पूरे अफ्रीकन बाजार को अपने हाथ में लेकर के आना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। अब जरा एक आंकड़ा दिखाता हूं आपको कि चीन का अफ्रीकी देशों के साथ करीब 200 अरब डॉलर का कारोबार ज्यादा निर्यात किया जाता है। उसके अलावा दवा, गाड़ियां और अनाज का निर्यात किया जाता है। मोदी सरकार अफ्रीकी देशों के साथ अपने कारोबार को बढ़ा रही है, मजबूत कर रही है, और अब मिस्र की अब्देल फतेह अल सिसी सरकार एक बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। इस प्रोजेक्ट के टेंडर पाने के लिए चीन और भारत के बीच रेस लगातार जारी है, लेकिन कोशिश भारत की है कि भारत चीन को वहां पर मात दे। लगभग 1.7 बिलियन डॉलर का यह मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो कि मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेक्जेंड्रिया, और अगले 6 महीने में प्रोजेक्ट के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चीन और भारत के बीच प्रोजेक्ट पाने की होड़ मची हुई है, लेकिन अगर भारत को प्रोजेक्ट मिल जाता है तो इससे न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा, बल्कि दुनिया में भारत की साख और मजबूत होगी। इसके साथ ही चीन पर यह भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत होगी। इससे पहले भारत सीरिया और नाइजीरिया जैसे देशों के संकट वाली स्थिति में मदद कर चुका है, जिससे कि भारत की ग्लोबल इमेज एक मददगार देश के तौर पर बनी है, ना कि वो जो कि विस्तारवादी नीति के तहत सहायता करके दूसरे देश को हड़पना चाहता। तो ये तो रही मिस्र और इंडिया के व्यापारिक रिश्ते की बात, जिससे न सिर्फ भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि इस लड़ाई में चीन और पाकिस्तान को बड़ी मात देने की तैयारी कर रहा है। अब जरा खबर इसके एक दूसरे पहलू को समझिए। अब हम कूटनीतिक मोर्चे पर बात करते हैं। मिस्र एक मुस्लिम देश है, इसके चलते मुस्लिम देशों की संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का सदस्य है। OIC वो संस्था जहां पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना रोना रोता है और भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। आगे क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान की इस चाल को कभी OIC में सफलता अभी तक नहीं मिल पाई। इसकी बड़ी वजह है कि भारत और मिस्र के बीच करीबी कूटनीतिक रिश्ते, दोनों देशों के बीच लंबे समय से आपसी सहयोग रहा। इसी वजह से मिस्र लगातार OIC की बैठकों में पाकिस्तान की नीतियों का विरोध करता रहा। मिस्र कई मौकों पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार को नकार चुका है। इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत और मिस्र साथ मिलकर के काम करते हैं। तो ये आपने कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भारत की समझदारी देखी।